इतने सारे बच्चे बन गए हैं, इतने सारे मेरे बेटा बेटी बन गए हैं, कुछ मेरे भाई बहन गए हैं, ज़्यादातर तो मेरा बेटा बेटी बने हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं दूर होना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं, आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं जयकोड में अपना मोबाइल को फंसा लेती हूँ क्योंकि मेरा हाथ दुखेगा दोस्तों। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी और बहुत जरूरी बात है। तो घर का दोस्तों सारा काम हो चुका, खाना पीना जो भी था वो सब हो चुका। और क्या है दोस्तों, खाना बनाते हुए इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं दोस्तों जो अगल बगल में रहते हैं, तो उनके यहाँ अभी बरसात का मौसम है तो कुछ कुछ हरा हरा साग सब्जी अभी हो रहा है, तो वो लोग पहुँचाने आ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ दोस्तों कि बेकार में पैसा खर्चा होगा तो क्यों ना किसी चीज को बना लिया जाए। तो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ दोस्तों, और उसी चीज को मैं बार बार दिखाने के लिए खिंचकती हूँ, नहीं दिखाती हूँ, आप लोग बोर हो जाएंगे। अभी तोरई मिल रहा है, भिंडी मिल रहा है, तो पड़ोसी लोग मेरे पहुँचाने आ जाते हैं तो मैं फेंकती नहीं हूँ दोस्तों। मैं सोचती हूँ कि क्यों इसको फेंकूं, और फेंकना भी नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से मेहनत करके वो लोग उगाए हैं दोस्तों, मैं जानती हूँ कितना मेहनत लगता है, तो इसलिए मैं नहीं फेंकती हूँ। कोई भी कुछ दे देते हैं दोस्तों, मैं बना लिया करती हूँ, नहीं फेंकती हूँ। तो आज मैं भिंडी और करेल की फिर से मैं सब्जी बनाई थी। एक बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ दोस्तों, उस दिन मैं अपने बेटे से मिल के मैं आई हूँ दोस्तों, तो बेटा मेरा तो सब चीज ठीक ठाक कर देगा, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहती हूँ दोस्तों। आप लोगों से मेरा संबंध बन चुका है, घनिष्ठ संबंध बन चुका है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, आप लोगों को कुछ मैं दिखा के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के बिना मुझे सुना सा भी लगेगा दोस्तों। तो बेटा तो मेरा सब ठीक ठाक कर देगा दोस्तों, लेकिन अभी मैं बहुत सारे परेशानी से गुजर रही हूँ, बहुत ऐसा कुछ है दोस्तों, तो उस चीज का मुझे इंसाफ चाहिए। बहुत कुछ ऐसा बिखरा हुआ है तो उसे मैं समेटना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोगों की जरिए से। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से अभी संबंध बना के रखूंगी, और हमेशा हमेशा मैं संबंध बना के रखूंगी दोस्तों। आप लोग भी हैं जो मैं चाहती हूँ वो हो सकेगा, तो मैं आप लोगों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और ऊपर से आप लोगों से मेरी संबंध बन चुका है दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों के बिना, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती दोस्तों। अभी मैं इस गांव में हूँ तो मैं अकेली हूँ अपने परिवार से, चार पांच भाई हैं हम लोग दोस्तों, लेकिन हमारे बीच नहीं बनता है, सिर्फ एक मंझला भाई से बनता है हमारा, मतलब मेरे जेठ से। अभी अभी वो पितर का रोटी पहुँचाने आए थे, तो हम लोग बड़ा को भी हम लोग रोटी ही बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ा रोटी बनाए हैं ऐसे बोलते हैं। तो अभी उनके यहाँ पितर मना है तो वो रोटी पहुँचाने आए थे, और मेरे यहाँ से सब्जी भी ले गए हैं, तो वो हमेशा हमारे यहाँ आते रहते हैं, एक तरह से तो रोज ही आ जाते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं, नहीं तो रोज आते हैं वो। तो हम जो महिलाएं हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत मन मुटाव की वजह से नहीं जाते हैं एक दूसरे के घर में, जैसे कि मेरी देवरानी जेठानी, और देवरानी से तो मेरी इतनी दूरी बढ़ गई है दोस्तों, इतनी दुश्मनी बढ़ गई है, दरार पड़ गया है हमारे बीच में, तो मुश्किल है कि इस जीवन में हम लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि
बहुत हद पार हो चुका है दोस्तों। कभी जाकर मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताऊंगी, बहुत हद पार हो चुका है, तो उससे हमारा मिलना जुलना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि माफी मांगने पर भी कम ही होगा कि हम लोग माफ कर देंगे, वो शब्द कम ही होगा उसके लिए जो उस तरह से मेरे साथ इतना घटिया हरकत की है। तो अभी मैं नहीं बता सकती दोस्तों, आने वाले वक्त में बताऊंगी, जैसे कि मेरे और भी सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो मैं बताऊंगी। तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों कि यूट्यूब में मुझे ढेर सारा बेटा बेटी मिला है, थोड़ा बहुत भाई बहन भी मिल गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहती हूँ। और बहुत कुछ मेरे जीवन में ऐसे चल रहा है इस गांव में, तो वो भी सही हो जाए, वो भी ठीक ठाक हो जाए, तो इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, कभी भी मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी मुझे माँ कहते हैं, कोई भी मुझे आंटी कहते हैं, कोई बहन कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा यूट्यूब में बहुत बड़ा परिवार बन चुका है और आगे भी बनने वाला है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी नहीं छोड़ सकती, कभी भी मैं आप लोगों से दूर नहीं हो सकती। पर बारिश हो रही है, ये बारिश भी ऐसा लग रहा है कि ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। अभी इस समय बारिश की ज़रूरत नहीं है, खेत में धान निकल आया है और आधी तूफान लेकर बारिश हो रही है कभी कभी, तो उस वजह से अब बाली निकल आया है धान में, तो अब वजन हो गया है, तो वो बाली की हवा की वजह से पूरा गिर जा रहा है। तो इस तरह से ये जो बारिश है बहुत नुकसान कर रही है, तो क्या करें दोस्तों, अब ऊपर वाला को तो मना नहीं कर सकते हैं कि मत रुको बारिश से करके, वो तो उसका मन है, जब मन करेगा नहीं होगी बारिश, जब मन करेगा होगी बारिश, बहुत बारिश होगी, चाहे किसी का घर नुकसान हो, चाहे किसी का अनाज नुकसान हो। और लगता है ये बारिश की वजह से थोड़ा आवाज़ आ रही है ऊपर तरफ से, तो ये मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसलिए दोस्तों, जो मेरा YouTube में आप लोग मेरा परिवार बने हो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती, मैं आप लोगों से दूर नहीं हो सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई कोई मेरे बच्चे मुझे आंटी माँ जी कह के मुझे समझाते हैं और वीडियो के बारे में बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे वीडियो के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भले दूर में ही सही, मुझे पास में रहकर मेरे बच्चे मुझे समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, तो मेरा बहुत ही हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए मैं YouTube को कभी नहीं छोड़ सकती। मेरा बेटा वादा किया है कि मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा, आप चिंता मत करो, इस साल भर सह जाओ, मैं शादी भी करूंगा, ऐसे बोला है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकती, तो बस यही मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। और भी बहुत कुछ जीवन में चल रहा है, तो आप लोगों की वजह से हमारा परिवार एक हो सकता है, हम लोग एक साथ रह सकते हैं, एक जगह में हम लोग खा पी सकते हैं, तो आप लोगों की वजह से दोस्तों ये सब संभव होगा। और ऊपर से हमारा केस भी चल रहा है, हम लोग ये अकेले केस को लड़ रहे हैं, पूरा पांच परिवार में, पांच परिवार है हमारा, जैसे कि भाई भाई में बंटवारा हो गया है, तो पांच परिवार हमारा बन गया है, तो हम लोग अकेले केस लड़ रहे हैं दोस्तों। तो वो केस में सभी का हिस्सा है, लेकिन हम लोग अकेले लड़ रहे हैं, कोई हमारा सहयोग नहीं करते हैं। तो पता नहीं दोस्तों, कभी ये वीडियो सबको देखकर वो लोग समझे मेरी बात को और उन लोगों को समझ में आए कि सच में
एक अकेले केस लड़ रहे हैं तो एक अकेले में नहीं हो सकता है। हम लोग 5 जन मिलकर केस को लड़ेंगे तो बहुत ताकत मिल सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो बस यही बात है दोस्तों, क्योंकि मेरे इतने सारे बच्चे बन गए हैं, इतने सारे मेरे बेटा बेटी बन गए हैं, कुछ मेरे भाई बहन गए हैं, ज़्यादातर तो मेरा बेटा बेटी बने हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं दूर होना चाहती हूँ। और आज का वीडियो को मैं यही कर रखती हूँ और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा ये कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।